आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उन्नाव पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोही बंदी अधिनियम के अंतर्गत अर्जित की गई 4,50,000 रुपए की अवैध चल संपत्ति को जब्त कर कुर्क किया गया। महिंद्रा बोलेरो कार नंबर UP 35 AP 1990 कीमत लगभग 4,50,000 पर जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई। आपको बता दें कि उन्नाव के जुराखंड खेड़ा साईं मंदिर चौराहा पुल थाना कोतवाली उन्नाव सदर निवासी मखादीन सोनकर पुत्र किशनलाल सोनकर के विरुद्ध धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंदी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त अपराधी द्वारा समाज विरोधी कार्यकल्पों से अर्जित की गई अवैध चल संपत्ति जिसकी कीमत 4,50,000 रुपए को जब्त करके कुर्क किए जाने की कार्यवाही की गई, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 621/21 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर अधिनियम थाना कोतवाली सदर में नामित अभियुक्त मखादीन सोनकर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्यों की उपलब्धता तथा अभियोग में जांच अधिकारी द्वारा साक्ष्यों के अपराध पर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जा चुका था। अभियुक्त मखादीन द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक एवं अन्य लाभ हेतु थाना क्षेत्र व अन्य आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब की आदि कर चल संपत्ति को अर्जित किया गया है। दोषी अभियुक्त का आपराधिक कार्यों से अर्जित की गई संपत्ति के अतिरिक्त अन्य कोई आय का ज्ञात स्रोत नहीं है। अभियुक्त मखादीन द्वारा लाभ हेतु अवैध तरीके से गैंग बनाकर अवैध शराब के विक्रय संबंधी अपराध से आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया। जिलाधिकारी उन्नाव अपूर्वा दुबे के आदेश अनुपालन व पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देशन में वार्ड संख्या 16/2023 धारा 14(1) गिरोहबंदी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए प्रभारी निरीक्षक गंगाघाट द्वारा अभियुक्त सोनू के द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित चल संपत्ति लगभग 4,50,000 रुपए को कुर्क किया गया, जिसमें एक महिंद्रा बोलेरो कार नंबर UP 35 AP 1990 कीमत 4,50,000 शामिल है। नया भारत दर्पण समाचार, जिला संवाददाता राजेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही, बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।